शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। आने से पहले यहाँ कुछ अंगारा भी हुआ था। जिस प्रकार का व्यवहार आज आयोजकों के साथ हुआ, सबसे पहला मैं दुख प्रकट करता हूँ। प्रदेश के अंदर जो माहौल लोग बना रहे हैं, दुबल धन के अंदर रोकने के लिए गले काटने तक की धमकियां दे रहे हैं। क्या वो प्रदेश के बाकी के लोगों को अपनी जागीर या अपने गुलाम समझते हैं, या हम उनकी जागीर में बसते हैं? एक प्रतिष्ठित समाज परशुराम जयंती अपनी स्वेच्छा से दुबल धन में मना रहा, लोगों को उन मुख्यमंत्रियों के चमकियों को क्या पीड़ा है कि राजकुमार सैनी आएगा, कहीं खुलासा करेगा जो भेदभाव 5 मुख्यमंत्रियों ने किया, वो भेदभाव का खुलासा कहीं जनता के बीच में करेगा और जनता को अवेयरनेस मिलेगी। आज 10% लोगों ने, लगभग 50-55% लोग इस प्रदेश की राजनीति में, इस प्रदेश के प्रशासन पे हावी है, फिर आरक्षण मांग रहे हैं। 90% लोगों के पास सिर्फ 40-45% और बैकवर्ड क्लास जो 45% में सिर्फ 52% होते हुए 10% के अंदर सीमित हो गई है। आखिर ये कब तक अपने बच्चों के ऊपर होते कुठारा घात देखते रहेंगे और प्रदेश के अंदर गुलामों का जीवन जीते रहेंगे? आज इन लोगों को चेताने के लिए एक जन जागरण अभियान, जिस प्रकार से हरियाणा में तांडव हुआ, कमजोर तबके के लोगों को दबाने का प्रयास किया गया, अब भविष्य में हम दो बात को लेकर के प्रदेश के अंदर 2019 में एक राजनीतिक दल गठित करके जनता के समक्ष आएंगे, जनता को इंसाफ दिलाएंगे और तांडव दादागिरी और भेदभाव के खिलाफ एक जंग लड़े। एक चौटाला सरकार और क्या नाम है जो बीजेपी की सरकार, और साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आपने निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इसी शहर की नाक के नीचे आज एक समाज, ना उसमें सीवरेज है, ना पानी है, ना रोजगार है। जो लोग अपने अपनों को अंतर बंटे रेवड़ियां दें आप अपनों को, अपने तो 50-60% लोग एडजस्ट कर दिए, गरीब समाज के लोगों को पानी तक मुहैया नहीं कराया, ऐसे भेदभाव कब तक बर्दाश्त करें? सर दुबल धन जाएंगे आप? दुबल धन में जाएंगे जब लोगों ने प्रोग्राम रख रखा है। तो प्रदेश में जिस तरह का माहौल है सर, इस तरह किस तरह प्रदेश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, कमजोर तबके के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उन लोगों को भाईचारे का संदेश पढ़ाया जा रहा है, बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले की फोटो लगा करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास चलाया जा रहा है। अगर उनको इतना प्यार है तो वो हरसौड़ा कांड, भगाना कांड, दुलीना कांड, रामायण कांड और मिर्चपुर कांड के लोगों को सबसे पहले विस्थापित करें, जिन लोगों को उन लोगों ने जान रखा है। प्रदेश के भाईचारे का मकसद ये नहीं होता कि बाकी के लोगों का चारा बना करके खा जाएं। और भाई यहाँ पर 36 बरादरी के भाषण देते हैं और काम करते हैं सिर्फ अपनों का, इस भेदभाव को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यशपाल मलिक भी जिस तरह से आपके ऊपर निशाना लगा रहे हैं, जो है राजकुमार सैनी जो है, यशपाल मलिक ने इस प्रदेश में आग लगाई, ये नहीं मालूम वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या ओम प्रकाश चौटाला का प्यार किया हुआ एक प्लेटफार्म है। उस प्लेटफार्म के अंदर करोड़ों रुपए के चंदे इकट्ठे हुए, पूरा समाज खिन है उससे, 100-150 करोड़ रुपए समथिंग का कहीं पीछे गोलमाल कर गया, प्रदेश के अंदर डंडा बजा। लेकिन आज भी जसिया के अंदर धारा 144 लगी होने के बाद, जिसमें 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते और उसमें रैलियां कर रहा है, या तो धारा 144 नहीं रही, उस धारा 144 के मीनिंग बदल गए, या सरकार बोनी पड़ गई। आज हमारे तो लोगों को, आयोजकों को यहां मारपीट होती है, जो अपनी बस्ती में अपनी गली में प्रोग्राम कर रहे हैं जहां धारा 144 नहीं, और जहां धारा 144 है वहां पर प्रोग्राम चल रहा है। जीटी रोड जाम करता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को लेकर के कि लोग तो इतने आए नहीं, भाई तुम गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर दो, कम से कम लोग फंसे रहेंगे और जाम दिखता रहेगा।
बहुत दुखद है, इस प्रकार के उच्च उत्कंठे अपनाने शुरू कर दिए लोग। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें।